प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की फिर से एक नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। अगर आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में है और आपको अभी तक आवास का पैसा नहीं मिल पाया है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर ये सब सही रहेगा तो ही आपको आवास का पैसा मिल पाएगा। आपको बता दूं कि इस महीने यानी जून और अगले महीने जुलाई में आवास योजना का ढेर सारा पैसा भेजा जाना है। हर साल इसी तरह होता है, जून और जुलाई के महीने में काफ़ी सारे लोगों को आवास का पैसा मिल पाता है। सो ये बेसिक चीज़ें क्या है और किस तरह से आप चेक करेंगे, आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसको चेक करने के लिए अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर rhreporting.nic इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे SECC रिपोर्ट्स कैटेगरी वाइज SECC डेटा वेरिफिकेशन समरी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको MIS रिपोर्ट्स को भरनी है, जैसे कि ऑल स्टेट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट है, आपका राज्य है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर से आप उसके नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, आप उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर से एक सेलेक्ट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अपने ब्लॉक को यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने के लिए मिल जाएगा। जितना भी कैप्चा आएगा आप यहाँ द एंसर इज़ टाइप कैप्चा, यहाँ पे आप कैप्चा को टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देन थोड़ा इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपके पंचायत में जितने भी लोगों का नाम आवास योजना की सूची में रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस लिस्ट में अपना नाम को ढूंढना है। अपने नाम को ढूंढने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बेनिफिशियरी नेम में आपका नाम रह जाएगा। उसके बाद यहाँ बाएं साइड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे या लिख लेंगे। या कॉपी करने के लिए आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह से थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे देन जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। जब आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे थोड़ा इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेक होल्डर्स देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे देन IAY PMAYG बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आप उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे और अगर आपने कॉपी किया था तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 10 अंक का होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि ये आसाम के किसी का है इसलिए पहले AS दिखा रहा है। अगर बिहार के लोग चेक करेंगे तो BR रहेगा पहले। तो जितना भी आपका रहेगा कुछ इस तरह से आप उसको टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से ब्लॉक, पंचायत और यहाँ पे विलेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। जो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स में, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस स्टेटस इसका जो है तो रूफ कास्ट दिखा रहा है, यानी जो इसका घर छत लेवल तक हो चुका है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका हाउस स्टेटस में सैंक्शन्ड होना चाहिए तो ही आपको आवास का पैसा मिलेगा। उसके बाद थोड़ा और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका बैंक इसमें वेरीफाई रहेगा इस तरह से नाम दिखाएगा और यहाँ अकाउंट स्टेटस में वेरीफाई दिखाना चाहिए। अगर आपका वेरीफाई दिखाएगा तो ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। देख सकते हैं कि इसका वेरीफाई है इसलिए इसको सारा पैसा मिल चुका है। उसके बाद आपको और एक चीज़ देखनी है जो कि जियो टैग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हाउस स्टेटस में रूफ कास्ट दिखा रहा था और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फ़ोटो लगाया हुआ है ये छत लेवल तक हो चुका है। तो कहने की बात यह है कि आपको इसमें दो चीज़ चेक करनी है, एक तो आपका हाउस स्टेटस सैंक्शन हुआ या नहीं, दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आपका बैंक
स्टेटस वेरीफाई है या नहीं, और एक चीज़ आपको देखनी है कि आपका जियो टैग कम्प्लीट है या नहीं। सो ये तीनों चीज़ आप देख लेंगे, अगर आपका ये कम्प्लीट रहेगा तो आपको इस महीने या अगले महीने ज़रूर आपको आवास का पैसा मिल जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।